देखो बेटा, तुम्हारा है चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो हमारा जो पहले बनेगा वो क्या बनेगा, इसके अंदर दो चीजें बनेगी, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बैलेंस शीट में जो है हमारे कुछ मेजर हेड है, इस बात को समझेंगे क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके रिलेटेड ही आएंगे, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसके अंदर कुछ मेजर हेड्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं हम फटाफट से। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले दो हेड है इसके अंदर, मतलब ऐसा समझो दो हेड का मतलब, पहला हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड, दूसरा हमारा हो गया एसेट्स का हेड। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमारे पास कुछ और हेड्स हैं, जैसे कि पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हेड है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा है हमारा करंट लायबिलिटी। ये हमारे कुछ मेजर हेड है, किसके अंदर, इनके अंदर, ठीक है। एसेट्स में हमारे मेजर हेड कितने हैं, दो है, एक है हमारा नॉन करंट एसेट और एक है हमारा करंट एसेट। यहां तक कोई डाउट? बात ये बात, जो हमारे ये मेजर हेड है इनके अंदर सब हेड भी है। ये मेजर हेड है इनके अंदर क्या है, सब हेड है। जैसे कि थोड़ा डायग्राम में लोचा हो गया, शेयर होल्डर फंड इसके अंदर जो सब हेड है, सब इसके अंदर क्या क्या है, शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में कोई सब हेड नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ सब हेड है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और चौथा है तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी कुछ क्या है, सब हेड्स है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि ट्रेड पेबल्स, जैसे कि अदर करंट लायबिलिटी, एंड लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये जितने भी मैंने रेड पेन से लिखे हैं और ग्रीन पेन से लिखे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, इनको बोलते क्या है, रेड पेन वाले और ग्रीन पेन वाले, इनको क्या बोलेंगे,
सब हेड्स, और जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं इनको क्या बोलेंगे? मेजर हेड्स। समझ आएगी मेरी बात? यहां तक बात क्लियर है? अब आती है नॉन करंट और करंट की, तो मैं नीचे लिख देता हूं। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहला नॉन करंट एसेट के अंदर आता है, पहले आता था फिक्स्ड एसेट, लेकिन अब क्या आने लग गया है? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा नॉन करंट में क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। चौथा क्या आएगा इसके अंदर? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पांचवा आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। और अगला क्या हमारा? करंट एसेट्स। इसके भी कुछ क्या है? सब एड्स है, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेंट्रीज, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि बिल्कुल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भी नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा गुन बेटा, आपको समझ आ रही जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। ठीक है, आप कब आए हो? स्टार्ट से आए हो कि अभी आए हो? सर मैं आज मेरी फर्स्ट क्लास ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, क्लास जब स्टार्ट हुई तभी आए थे कि अभी जस्ट एंटर करा आपने? नहीं, जब स्टार्ट हो गई थी तभी आ चलो गई। ठीक ठीक है ठीक है। ये बेटा थर्ड बुक आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? इसके बिना ठीक ना ही आप थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर कर पाओगे, ना ही फिफ्थ चैप्टर कर पाओगे, और वही दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस थर्ड बुक के अंदर। ओके सर। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये हमारा करंट एसेट के अंदर एक और पार्ट क्या आ गया? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड एक और इसके अंदर आएगा अदर करंट एसेट्स। तो मैंने अभी क्या लिखवाया ऊपर ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला इनके अंदर तुम्हारे कुछ क्या है? मेजर हेड्स है, तो दीज आर मेजर हेड्स। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर कुछ, ये सारे सब हेड्स हो गए, लेकिन इनके भी अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि चिराग क्या कर रहा है बैठे बैठे तू? ओएनसी क्या लिखा है? मैं अनम्यूट नहीं था। अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट को बोलेंगे। ठीक है। अब बेटा देखो इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। पीपीई का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो हमारे इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स है, सब हेड्स है, जैसे कि पहला है तुम्हारा पीपीई, दूसरा है तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा है तुम्हारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा है तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये बात समझ आई? ये दोनों हुआ है जो हमारा पैसा अटका हुआ है, अटका हुआ ये वाले दोनों। हाँ मतलब ये दोनों है कि काम पूरा नहीं हुआ लेकिन वो हमारे लिए एसेट है। पैसा तो अटका ही हुआ है, काम नहीं पूरा। हाँ ऐसा समझ लो। अब एक काम करो, तुम्हारे पास थर्ड बुक पड़ी है, थर्ड बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं अनसॉल्व वाले वो निकालो एक बारी जल्दी से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं जिससे वो एक पेज पे आ जाए। पीडीएफ भेज देना। वो मैं भेज दूंगा पीडीएफ, लेकिन पहले आप वो निकालो अपनी बुक। ये मैंने सिंगल पेज के लिए थोड़ा छोटा कर दिया इसको। आप लोग पहले अपनी वो निकाल लो फटाफट से, क्वेश्चंस निकाल लिए सर? एमसीक्यू या एक्सरसाइज क्वेश्चन? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर निकाल लिए। पढ़ बेटा क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। पढ़ भाई। What are the major heads in the equity and liability part of the balance sheet as per schedule 3rd? बस एक मिनट रुक जाओ। उसने क्या बोला? Major head कौन-कौन से है equity and liability के? बेटा सुन रहे हो चपमन गुण चिराग? Yes sir। वो खुद पूछ रहा है major head कौन-कौन से, तो बताओगे major head कौन-कौन से equity and liability के? Sir shareholder fund। Shareholder fund, non-current liability and current liability। कोई doubt? No, sir. और चौथा क्या है? ये रहा चौथा हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी। मनी यहाँ तक क्लियर? शेड्यूल थ्री क्या है सर? शेड्यूल थ्री का मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये बैलेंस शीट जो बनी हुई है या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो बनेगा, ये सारा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल थ्री पार्ट वन में बनेगी बैलेंस शीट, और पार्ट टू में बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर? यस सर। मैं यहाँ पर एक और चीज लिखवा देता हूँ, मेरे से यहाँ मिस हो गई, एक सेकंड। हाँ तो तेरा फर्स्ट का आंसर क्या लिखा हुआ बुक में? जो क्वेश्चन तूने पढ़ा उसका आंसर लिखा हुआ कुछ? ये लिखा हुआ है क्या? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करंट लायबिलिटीज करंट। तो सबको क्लियर हो गया मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूं? यस सर। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं हम। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी बेटा एक सब हेड है जो मैं लिखवाना भूल गया था। तो अब सुनना मेरी बात को, तुम्हारे एग्जाम में जो काम का नहीं है या हमारे लिए काम का नहीं है, पहला ये काम का नहीं है, दूसरा कहां गया ये काम का नहीं है कोई भी, ये काम का नहीं है कोई भी, ये काम का नहीं है कोई, और ये काम का नहीं है कोई, ये कोई काम का नहीं है, और ये कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर पढ़े क्यों रहे हैं कि इन केस तुमसे पूछ लिया जाए ये कहां आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया सबको? क्लियर? यस सर। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट के अंदर ये सारी आइटम आएगी, तो ये हमें लिखना है क्या। आओ स्टार्ट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप
कि बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 स्केड्यूल 3 पार्ट 1। फॉर्मेट क्या है इसका? इस टाइम पे कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा? 2013 ही चल रहा। पहले चलता था 1956, अब आया 2013, मतलब 1956 के बाद सीधा कब चेंजेस आए? 2013 में चेंजेस आए। क्लियर? पर्टिकुलर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो लिख रहा हूं, देखिए पर्टिकुलर यहां आएगा नोट्स, या फिर नोट नंबर भी लिख सकते हो, नोट्स भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर बेस्ट रहेगा नोट नंबर लिखना क्योंकि यहां पर नंबरिंग होती है। नोट नंबर और यहां आएगा अमाउंट। तो बेटा मुझे बता, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। हाँ भाई नवीन, सबसे पहला हेड कौन सा था इसके अंदर बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर वन। सबसे पहला हेड क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरा हेड था एसेट्स, एसेट्स का। तो देखो इनको क्या बोलेंगे? हेड्स। इनको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड्स, मेजर हेड्स। और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? सब हेड्स, सब हेड्स। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। क्लियर? यस सर। तो पहला हेड मेरे लिए क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर अब फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड, जो हम ऊपर डायग्राम में लिख चुके हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स। तो गुन, यस सर, इसको क्या बोलेंगे? किसको सर? ये इक्विटी एंड लायबिलिटी को। हेड्स, हेड्स। इसको क्या बोलेंगे? मेजर हेड्स, मेजर हेड्स। और इसको, इनको क्या बोलेंगे? सब हेड्स, सब हेड्स। सब बच्चों को क्लियर हो गया? यस यस सर। एग्जाम में ये गलती मत करना किसको क्या बोलेंगे, ठीक है? तो अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, इसके लिए कोई भी नोट खोलने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ रहे। सेकंड हेड क्या था हमारा? मेजर हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके लिए भी कुछ नहीं खोलना हमें। तीसरा हेड क्या है मेरा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। पहला इसके अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट फिगर है। इसके अंदर क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखो, और चौथा क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसका मतलब क्या होता है, नोट नंबर थ्री में देखेंगे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको भी खोलने की जरूरत नहीं है, इसको भी खोलने की जरूरत नहीं है, कि जो मेन काम की चीज है वही समझाऊंगा। फोर्थ, करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बी क्या है, ट्रेड पेबल्स, सी क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, एंड डी इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट नंबर फोर, ट्रेड पेबल नोट नंबर फाइव, अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर सिक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर सेवन, और आखिरी में क्या कर देंगे, टोटल। यहां तक कोई डाउट है? ये लायबिलिटी के पोर्शन में कोई डाउट है? जो हमने ऊपर हेड लिखे थे मैंने यहां पर वही चीज लिखी है, क्लियर? अब यहां पर अगला क्या आएगा मेरा, सेकंड, और सेकंड हैंड मेरा क्या था, सेकंड हैंड, सेकंड जो मेरा हेड था वो क्या था, एसेट्स का। इसके अंदर जो मेरा मेजर हेड था वो क्या था, नॉन करंट एसेट। इसके अंदर जो मेरा सब हेड था वो क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर जो सब हेड थे वो क्या थे, पहला पीपीई, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पीपी किसमें देखेंगे हम, नोट नंबर एट में, इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर नाइन, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और इसके अंदर मेरा सेकंड मेजर हेड क्या था, करंट एसेट, जिसमें मेरा पहला क्या आएगा, एक मिनट, मैंने यहां पर सेकंड में जो जल्दबाजी कर दी, सेकंड मेरा हेड क्या आएगा यहां पर, नॉन करंट
नॉन करंट क्या था? इन्वेस्टमेंट. थर्ड मेरा क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स. फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. फिफ्थ अदर नॉन करंट एसेट्स. इस इनके लिए कोई भी नोट खोलने की जरूरत नहीं. सिक्स्थ मेजर हेड क्या है मेरे पास? वैसे अगर देखा जाए मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ, ये सारे तो वो थे ना, इसके पार्ट थे. एक, दो, तीन, चार, पांच. अब यहां पर आएगा सेकंड वाला, अदर. अदर क्यों? करंट एसेट है. करंट एसेट डायग्राम पे चलते एक बारी. देखो हमने नॉन करंट के अंदर ये सारी चीजें लिखी थी, करंट में ये सारी चीजें लिख रहे हैं. तो नॉन करंट में मैंने सारी चीजें लिख दी यहां पर, लेकिन मैंने इसको गलती से उसमें लिख दिया. किसमें? ये सारा सही है, गलत नहीं है कोई भी. ये गलत नहीं है, बस मैं पेन चेंज कर रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो तुम लोग. बी पार्ट क्या है मेरा? वही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सी पार्ट क्या है? आपने दोबारा नहीं लिख दिया बेटा? नॉन करंट एसेट है. ठीक है. डेफर्ड टैक्स एसेट्स. तीसरा, चौथा क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. और पांचवा क्या है मेरा? अदर नॉन करंट एसेट्स. सर इतना सारा याद कैसे होगा भाई? तभी तो डायग्राम बना के तुम्हें छोटा बनाया. पहले तुम एसेट्स के देखोगे कि तुमने इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या लिखा. तुमने कहा अच्छा ये चीज है, होगी बात. फिर इसमें देखा क्या लिखा, तो याद हो जाएगा. तभी तो तुम्हें डायग्राम, तुम्हें कितनी चीजें हैं भाई देखियो उसके अंदर. शेयर होल्डर फंड में कितनी चीज है? शेयर होल्डर फंड तो याद है. तीन. नॉन करंट में कितनी चीजें हैं? चार. करंट में कितनी चीजें हैं? चार. इतना याद नहीं कर सकता? आठ, चार, आठ, तीन, बारह. अच्छा अब एसेट में आ जा. एसेट में कितनी चीजें? एक, दो, तीन, चार, पांच. सब याद हो जाएगी, लिखेगा सब याद हो जाएगी. सर ज्यादा नहीं, दस बार लिखेगा याद हो जाएगा इसको. अरे दस बार नहीं भाई, दो बार लिखोगे याद हो जाएगा. बाकी जब हमारी कल परसों लाइव क्लास होगी तो उसमें तुम्हें समझा दूंगा मैं. फिर ठीक है सर. करंट इन्वेस्टमेंट बी, इन्वेंट्रीज सी, ट्रेड रिसीवेबल्स और डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड एफ अदर करंट एसेट. नोट नंबर 9, 10 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 11, 12 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 13 टोटल कर देंगे और क्लोज कर देंगे. ये है तुम्हारी पूरी बैलेंस शीट. गुण जपमन चिराग नवीन भविष्य. समझ आया बेटा? नहीं समझ आया? यस सर. आगे
देखो तुम्हें लगता है बहुत बड़ा, लेकिन क्या है ये बहुत बड़ा नहीं है, जब हम थोड़ा सा इसको ज्यादा डीपली समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस शीट बन गई, अब क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3, पार्ट 2। यहां क्या बनाऊं मैं? पी एंड एल, फॉर्मेट वही सेम, पर्टिकुलर पहला, चलो डायग्राम से समझो बाद में बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितनी चीजें आएगी? तुमने बचपन में ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया है, ट्रेडिंग पी एंड एल में क्या लिखते थे हम? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हम दो बातें लिखते थे, क्या क्या? या तो सारी कमाई, या तो सारे खर्चे। कमाई कितने टाइप की होती थी? दो टाइप की कमाई होती है, या तो होती है सेल, या तो होती है कोई इनडायरेक्ट इनकम। यही होता था ना, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल लिखते थे और पी एंड एल अकाउंट में बाकी इनकम लिखते थे। यहां पर भी दो ही चीज आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को सेल बोला जाता है, और यहां पर क्या आ जाएगा? अदर इनकम। कोई डाउट? नो सर। एक्सपेंस बहुत सारे होते थे, ट्रेडिंग में भी आ रहे, पी एंड एल में भी आ रहे, यहां पर भी वही होगा। पहले एक्सपेंस का नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरे स्टॉक का नाम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरे खर्चे का नाम है चेंज इन इन्वेंट्रीज, चौथे खर्चे का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवे खर्चे का नाम है फाइनेंस कॉस्ट, छठे खर्चे का नाम है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और नेक्स्ट खर्चे का नाम क्या है मेरा? अदर एक्सपेंस। फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। तो मतलब पी एंड एल में यही बातें बननी है। अब पी एंड एल में ये डायग्राम है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं हम लोग, अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना लेते हैं। अब यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज पर कंपनीज एक्ट 2013 स्केड्यूल 3 पार्ट 2।
पर्टिकुलर पर अमाउंट. सबसे पहले आता खर्चा, इसको क्या लिखा मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां आएगा नोट. इसके बारे में जानने के लिए नोट खोलेंगे, और नोट कैसे खोलेंगे, पिछला नोट कहां खत्म होता 13 पे, तो ये खुलेगा 14 नंबर नोट. सेकंड क्या आएगा यहां पर, अदर इनकम, नोट नंबर 15. थर्ड क्या आएगा यहां पर, इन दोनों का टोटल, और यहां लिख देंगे टोटल इनकम, और टोटल करके लिख देंगे. फोर्थ क्या खुलेगा, सारे खर्चे. इसमें पहला खर्चे का नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इसको समझने के लिए नोट नंबर 16 ओपन करेंगे. नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके लिए नोट नंबर खोलेंगे 17. नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसके लिए खोलेंगे नोट नंबर 18. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसके लिए खोलेंगे नोट नंबर 16. नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इसके लिए खोलेंगे 17 नोट. अगला है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसके लिए खोलेंगे 18 नोट. लास्ट में क्या आएगा, अदर एक्सपेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए खोलेंगे 19 नोट. फिर यहां पर क्या लिख देंगे, टोटल एक्सपेंस. अब क्या करेंगे, फोर्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सर एक सेकंड, ऊपर स्क्रॉल करना. आइटम, इसमें से माइनस क्या कर दूंगा मैं, और ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए नए नोट नंबर से नहीं चालू करेंगे. नहीं बेटा, वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट वन पार्ट बी है, तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठे ही बनाया जाता है. तो यहाँ पर जो एंड होगा वही नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा सर, पार्ट माइनस फोर्थ. सर हाँ बेटा बोल. सर आपने ये लिखवा तो रखी थी टेबल एक बार, वो तुम्हें लिखवाई थी जब मैंने स्टार्टिंग में थर्ड बुक स्टार्ट करी थी. मैंने लिख रहा सर, आधी तो लिखी थी मैंने. इन दोनों को माइनस कर देंगे, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा. ये है तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. तो बेटा गुण, जपमन, चिराग, नवीन, भविष्य, ये बातें समझ आई नहीं समझ आई? यस सर, आ गई. एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोगों ये पीडीएफ में भेज रहा हूं, पहले चेक करो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना. बाउंसर लग गया. बाउंसर लग गया? हाँ सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, अभी एक बार देख लूंगा मैं. एक मिनट रुक जाओ, चैनल पे डाल देना सर. हाँ सर, ये बात सही कही इसने, सारी बार जिंदगी में कुछ ठीक बोला इसने. चेक करो, देखो मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ को ओपन करके एक बार चेक करो.
देखो बेटा उस पीडीएफ को ओपन करेंगे सारे बच्चे के भरी। सर मेरे पास नहीं है पीडीएफ। बेटा 10 तक काउंट कर तेरे पास आ जाएगी। सर सर हाँ बोल क्या कह रहा है। सर खोल लिया। अब ये जो पीडीएफ में देखो तुम्हारे उसमें ना सिंगल स्क्रीन में दिख रही होगी पूरी बैलेंस शीट जब तुम्हारे फोन में ओपन कर रहे होंगे। यस सर। बेटा गुन बेटा रिसीव हो गई? नहीं सर नहीं आई। तो जादू काम नहीं किया। क्यों नहीं काम करेगा? रुक जा। सर अब कितने तक काउंट करना उसे? मैं रुक तो जा भाई। मैंने मैम को बोला ना मैम भेजेगी। मैम नहीं भेजेगी वहीं तो रहेगा। आपको ही भेजना पड़ेगा सर। मैम बिजी होंगी। चलो जब तक आ जाएगा बेटा तेरे पास देख ये जो 16 के ये जो हमने बनाया ना टोटल 19 स्केड्यूल ये 19 नोट्स हमें सारे के सारे खोलने पड़ेंगे। अब हमें ये बताना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर क्या क्या आता है। तो एग्जाम में तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है। तो तुम्हें अगर पहले पता होगा तो तुम कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सर मतलब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मतलब समझ नहीं आया अभी भी। क्वेश्चन निकालो अपनी बुक में तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस होंगे पीछे बैक साइड के। सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या चाहिए? हाँ बेटा नोट्स टू अकाउंट्स क्या चाहिए? वही तो खोलना हमें। ये नोट नंबर 1 खोलेंगे 2 खोलेंगे। अच्छा इसी के इसमें हमें सॉल्विंग वगैरह कुछ नहीं करना होगा क्या? कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना मतलब ये याद करना ही पड़ेगा। वो याद हो जाएगा अपने। ओके सर अभी सब याद हो जाएगा। रुक जा बेटा। बेटा गुण रिसीवर नहीं हुआ अभी भी? नहीं सर 100 तक काउंट कर लूं हो जाएगा। सर ओपी आंसर दिया इसने। एक मिनट रुक जा। चाय बना रही हूँ मैम 5 बजे 6 तू पिएगा जाके पी ले जा। कौन बोल रहा है? चिरा एक बार बुक के जो पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको निकालो एक बारी। उस क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन को रीड करो देखो क्या लिखा हुआ उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 5 4 पढ़ो। 4 पढ़ क्या लिखा हुआ है? अरे पढ़ ले भाई सुना दे मुझे भी। पढ़ना भाई। अंडर विच सब हेड विच ऑफ विच द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड और शोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किस हेड के अंदर आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन खत्म। तो एग्जाम में तुम्हें ये एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या तो वो ऐसे 3-4 पॉइंट इकट्ठे दे देगा बोलेगा आइडेंटिफाई ये किस किस हेड में आता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है कभी? कौन सा सर? 10th पढ़ो 9th 10th होगा। गुण अभी भी रिसीव नहीं हुआ बेटा? आ गया सर अब आया। अब आ गया
अब ओपन कर ले एक बार फोन पे अपने पीडीएफ को। अरे पढ़ दे भाई क्वेश्चन। Under which main head and subhead of equity and liabilities part of the balance sheets are the following items classified or shown? जा उसने क्या बोला ये बताओ किस head में और किस major head में आता यही बोल रहा है ना? हाँ। आ तो बता पहला क्या लिखा हुआ है? Bond। क्या लिखा? Bond। Bond आप सुन लो bond क्या होता है? बेटा bond जो होते हैं ना वो long term borrowings होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स तो तुम क्या लिखोगे जो जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सब हेड में आता है और नॉन करंट लायबिलिटी के मेजर हेड में आता है। बात समझ आई? यस सर। तो तुम्हें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा ये सब हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तुम्हें एग्जाम में ऐसा बनाना पड़ेगा एक यहाँ लिखोगे जो भी आइटम है तुम्हारी यहाँ लिखोगे सब हेड यहाँ लिखोगे मेजर हेड। तो तुमने लिखा बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है मान लेते हैं मशीनरी। मशीनरी मतलब क्या होती है? फिक्स एसेट। तो हमने बोला ये पीपीई में आता है और मेजर हेड क्या है इसका? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। आई बात समझ? यस सर। तो ये सर, सारी तो ये... हाँ बेटा बोल। सही कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? आएगा तो अरे इसमें से अगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम इस चैप्टर में। ठीक है सर स्किप कर सकते हैं? मतलब स्किप नहीं करना इस, ये अगर स्किप कर दिया तो चैप्टर नंबर 4th और 5th बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। क्या समझा? नहीं फिर स्किप नहीं करना फिर। हां इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही तुम्हें वो दोनों चैप्टर को क्लियर करवाएगा। ठीक है जपमन और गुण बेटा क्लियर हुई बातें? नहीं हुई? हो गई सर। हो गई तो एक काम करेंगे परसों मुलाकात करेंगे परसों इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है परसों सिखाऊंगा ये नोट्स में क्या क्या काम करना होता है। ओके सर आज की होए कैसे याद करा देना सर बस। अरे मैं याद करा दूं क्या कह रहा तू? मैं कह रहा हूँ सर बस हो ही गया है जैसे तैसे। अरे सब हो जाएगा वो आसान टॉपिक है मुश्किल नहीं। ओके सर चलो मिलते हैं परसों फिर और एक बार इसको ढंग से देख लेना। ओके सर पीडीएफ सेंड कर देना आपने बहुत। हाँ कर दिया।